कॉटन, कपास, इसकी क्रॉपिंग की जाती है, खेती बाड़ी करते हैं अपनी लोकेलिटी में। और जब ये रॉ फॉर्म में होता है, कच्चा होता है, इस पे टिंडे या बॉल्स लगने स्टार्ट होते हैं। और ये रुई बनने से या फाइबर बनने से पहले की स्टेज होती है, जिसके अंदर एक कीड़ा, एक इंसेक्ट डैमेज कॉज करने के लिए आता है, जिसका नाम है पिंक बॉलवर्म, या आम बोलचाल में इसे कहते हैं गुलाबी सुंडी। ये गुलाबी सुंडी इस कच्चे बॉल या टिंडे को खाने के लिए आता है, अंदर घुसता है, दानों को ख़राब करता है, और जब दाने स्पॉइल हो जाते हैं तो इसके ऊपर लगने वाला कॉटन या फाइबर वो भी नहीं बन पाता, तो फसल हो जाती चौपट। और इसको काबू करने के, इसे कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, या तो पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड लेकर आओ, स्प्रे करो, मार डालो इनको। लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और लॉन्ग टर्म में इसके जो इफ़ेक्ट हैं, परिणाम हैं, वो बड़े ही घातक हैं। पोल्यूशन क्रिएट करता है, डिजीज़ कोज हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इन सब से निजात पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इस गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए दूसरा तरीका है बायोटेक्नोलॉजी का। इस तरीके में अपने क्या काम करते हैं, कॉटन को, कपास को इस काबिल बनाते हैं कि वो खुद ही लड़ पाए इस पिंक बॉलवर्म से, ये खुद ही कंट्रोल कर पाए उस पिंक बॉलवर्म को। जो कॉटन अपनों ने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से तैयार किया है, उस कॉटन को कहते हैं बीटी कॉटन या किलर कॉटन। अब बीटी क्या चीज़ है, कैसे तैयार किया गया है इस कॉटन को? सबसे पहले एक जीन है क्राइजिन, और क्राइजिन बनाए क्रिस्टल से, क्योंकि ये जीन जो है वो डिकोड करता है एक प्रोटीन को जो क्रिस्टल फॉर्म में बनता है, और उसी क्रिस्टल का क्राई निकाल लिया गया है CRY, और ये बन गया क्राइजिन। तो जो क्राइजिन है वो एक बैक्टीरिया में रखा हुआ है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है बेसिलस थुरिंजियंसिस। बेसिलस थुरिंजियंसिस वो बैक्टीरिया है जिसको शॉर्ट में अपने BT बोलते हैं। ये BT उसी बैक्टीरिया को रेफर करता है, क्योंकि अपनों ने उसमें से वो जीन एक्सट्रैक्ट कर लिया है क्राइजिन, और इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है अपने कॉटन में या प्लांट सेल में। और इस जीन की तीन फॉर्म होती है, क्राई फर्स्ट AC, क्राई फर्स्ट AB और क्राई सेकेंड AB। ये तीन फॉर्म है एक सिंगल जीन की, इनको अलग अलग प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। जो क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकेंड AB है, ये दोनों जीन अपनों ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, डाले हैं कॉटन के अंदर। और दूसरा जो एक बच गया है क्राई फर्स्ट AB, ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है मेज़ के अंदर, मक्के में, किसी दूसरे इंसेक्ट को, जिसको अपने कॉर्न बोरर के नाम से जानते हैं, उस इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए डाला गया है। अब ये काम कैसे करता है, हर जीन अपने आप को डिकोड करता है किसी न किसी प्रोटीन में, तो ये क्राइजिन जब चला गया किसके अंदर, कॉटन प्लांट के अंदर, वो प्रोटीन जो बनता है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में बनता है, क्रिस्टल की फॉर्म में बनता है। और ये क्रिस्टल है वो सोल्यूबल होते हैं सिर्फ बेसिक मीडियम में, और वो बेसिक मीडियम मिलता है गट में, आंतों में। तो अब कह सकते हैं कि क्राइजिन की वजह से उस पूरी प्लांट बॉडी के अंदर, कॉटन के अंदर, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बन गया है। जैसे ये इंसेक्ट दोबारा आता है डैमेज कोज करने के लिए, खाने के लिए कॉटन के बॉल को, तो ये क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में जो प्रोटीन है वो चला जाता है इंसेक्ट के अंदर। और अपने को मालूम है स्टमक हो गया, माउथ हो गया, यहाँ पर एसिडिक मीडियम होता है, तब तक वो मरता नहीं है। और जैसे ही वो अनगल्फ करके, इस क्राई प्रोटीन को अनगल्फ करने के बाद वो पहुँचाता है अपने गट के अंदर, तो गट या इंटेस्टाइन में बेसिक मीडियम होता है, वहाँ पर वो बेसिक मीडियम इसको सोल्युबलाइज कर देता है, घोल देता है। घुलने के बाद ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, और जो इंटेस्टाइन की वॉल हैं, दीवारें हैं, उनमें सुराख पोर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे लाइसिस हो जाता है इंटेस्टाइन का, आंते फट जाती है और इसकी डेथ कोज होती है। तो इस तरह से BT कॉटन तैयार किया गया है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से BT कॉटन को डेवलप किया गया है अपने पिंक बॉलवर्म या गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए।